सोलन जिला में पिछले कुछ दिनों में लगातार हुई बारिश के कारण चंबा घाट में एक डंगा गिर गया। इसके कारण एक महिला को चोटें भी आई हैं, जिसे उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भी मौके पर पहुंची। तहसीलदार सोलन गुरमीत नेगी अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे और यहां पर डंगे पर तिरपाल लगाया गया ताकि और नुकसान ना हो। इसके अलावा घटना में घायल एक महिला को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में पहुंचाया गया। वहीं नगर परिषद के पार्षद सरदार सिंह ठाकुर ने मौके का दौरा किया और इस संबंध में अधिक जानकारी दी। मैं सरदार सिंह ठाकुर, मैं वार्ड नंबर 17 जो नगर निगम सोलन का वार्ड नंबर 17 जो वार्ड है उसका अभी पीछे जो हाल ही में चुनाव हुए थे उसका मैं पार्षद हूँ। तो ये यहाँ पर चम्मा घाट के समीप बसाल रोड पर बसंत कॉलोनी का एरिया है। यहाँ पर एक मुझे शाम को 7:30-1 बजे के करीब फ़ोन आया कि भी ऐसा ऐसा डंगा गिर गया है और मकान को नुकसान हुआ, कुछ चोटिल भी हुए हैं। तो मैं तुरंत यहाँ पर जब पहुँचा, कुछ और भी लोग आए, आस पड़ोस के भी सब लोग इधर लगे हुए थे। तो जो चोटिल थे वो तो उन्होंने सुरक्षित निकाल दिए थे और जिनको कि हॉस्पिटल को उसके बाद उपचार के लिए भेज दिया था वो वहाँ पर दाखिल है। और हमें इस बात की संतुष्टि है कि वो खतरे में नहीं थे, किसी तरह ऐसे नहीं थे, और इस चीज़ का हमें संतोष था। बाकी जहाँ तक यहाँ की बात है, यहाँ पर आपने भी जैसा देखा होगा और सभी ने देखा है, बहुत नुकसान बहुत हुआ हुआ है मकान को। पीछे से डंगा ये बरसात की वजह से, पीछे जो 36 घंटे की लगातार जो नॉन स्टॉप बारिश रही है, यही एक वजह हो सकती है इसका कि इससे ये डंगा हिल गया, खिसक गया। मेरा नाम सुभाष है और मैं बसंत कॉलोनी वार्ड नंबर 4 था, अब 17 में कन्वर्ट हुआ है, वहाँ पे ये हादसा हुआ। मेरा घर है। ये तकरीबन 7:25 या 7:30 के करीब हुआ ये। उस टाइम लाइट भी गई हुई थी और पीछे से एक बड़ा 25 फुट तक का डंगा है, वो अचानक खिसक गया और घर के अंदर को उसने दीवारें तोड़ के अंदर पूरे घर को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसमें जो आप देख सकते हैं, सारा सामान तो एक इसमें डिस्ट्रॉय हुआ है। जो पर हमने बनाया जो वो भी सारा ख़त्म हो गया है और इस घर में भी सारे दीवारों में क्रैक्स आ गए हैं। तो एक्चुअली से टोटली लॉस लग रहा है मुझे को, तो नए सिरे से घर बनाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। और अभी और जो साइड में डंगा है उस वो भी आने की आशंका है, उससे तो मतलब अब एक तरह से रहना ही मुश्किल हो गया है कि कहाँ रहेंगे।